हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए आज हम लेकर के आए हैं डिप्लोमा में मैकेनिकल ऑटो और प्रोडक्शन के लिए ऑटोमोबाइल सर्विस एंड रिपेयर सब्जेक्ट से चैप्टर का नाम है ऑटोमोबाइल इंजन के जमे हुए कार्बन को डीकार्बोराइज कैसे करें। उसमें से एक टॉपिक है आपका डीकार्बोराइजेशन ऑफ इंजन। तो आइए हम उसको समझते हैं कि ये प्रॉब्लम होता कैसे है, फिर उसको हटाने का प्रोसीजर समझेंगे और फिर उसके प्रिकॉशंस को हम समझेंगे। तो अब सबसे पहले आप ये जानते होंगे कि डीजल इंजन हो या पेट्रोल इंजन हो, उसके अंदर कंबस्चन चैम्बर, ये आपका पूरा एरिया कंबस्चन चैम्बर कहलाता है। ये देखिए, ये आपका इनलेट हो गया, ये आउटलेट वाल्व हो गया। अब ये आपका पूरा ये सिलेंडर हो गया, सिलेंडर के साथ अंदर लगा होता है पिस्टन, पिस्टन कनेक्टिंग रॉड के द्वारा क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा होता है और यही जो कनेक्टिंग रॉड है ये पिस्टन को ऊपर नीचे करता है और इसके रिसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में क्रैंक के द्वारा बदल देता है। तो अब जब ये एरिया आपका कंबस्चन चेंबर एरिया कहलाता है, इसके अंदर हमारे इनलेट वाल्व के द्वारा फ्यूल आता है। जब इसके अंदर फ्यूल आता है तो प्रेशर और टेम्परेचर अधिक होने के कारण ये यहाँ पर जल जाता है। अब चूंकि ये डीजल इंजन है तो इसमें स्पार्क प्लग नहीं लगा है, ये कंप्रेशन इंजन कहलाएगा। अगर ये पेट्रोल इंजन होता तो यहाँ पर एक अलग से आपका स्पार्क प्लग होता। तो चूंकि दोनों के अंदर प्रोसीजर सेम होता है, कंबस फ्यूल या जिसको बोलते हैं चार्ज, चार्ज अंदर आता है और जलता है। तो जब चार्ज जलता है स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कार्बन जनरेट होते हैं, क्योंकि हमारा जो चार्ज होता है वो हाइड्रोजन और कार्बन का कंपोजिशन होता है। तो ये कार्बन क्या होता है कि कुछ तो आपका आउटलेट वाल्व से निकल जाता है हॉट गैसेस, गर्म गैसेस की तरीके से, लेकिन कुछ क्या होते हैं कि आपका यहाँ पे ये आ करके जम जाता है। क्योंकि ये हमारा कंबस्चन चेंबर एरिया कहलाता है, ये पिस्टन होता है, यहीं पर आपका कंबस्चन एरिया पूरा बना होता है। इसी कंबस्चन एरिया में कार्बन धीरे धीरे वो इकट्ठा होने लगता है, जिससे कि आगे चल के प्रॉब्लम जनरेट होते हैं। प्रॉब्लम क्या क्या जनरेट हो जाते हैं आपके, जैसे कि प्री इग्निशन हो जाना है ना, या हैमरिंग जैसा प्रॉब्लम होना, और या फिर हमारा जो इंजन की एफिशिएंसी भी धीरे धीरे इससे कम होने लगती है। तो अब इसी समस्या को दूर करने के लिए हम लोग जब इंजन को डिसमेंटल करते हैं, खोलते हैं, तो उसके अंदर से यहाँ पे जमे हुए कार्बन को हम लोग अलग करते हैं। कार्बन को अलग करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले इंजन को खोला, अब इसके अंदर ये आपका इनलेट वाल्व है, इसको अलग किया, आउटलेट वाल्व है, इसको अलग किया, पिस्टन को अलग किया, कनेक्टिंग रॉड को अलग किया। पिस्टन के साथ आपका लगा होता है रिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन रिंग, ऊपर के दो कंप्रेशन रिंग कहलाते हैं, और नीचे वाला एक रिंग लगा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऊपर वाले दोनों कंप्रेशन होता है और नीचे वाला जो रिंग होता है वो ऑयल का रिंग होता है, जिसको ऑयल रिंग बोलते हैं। इसको हम लोग ऑयल, जो यहाँ से हमारा लुब्रिकेशन होता है, तो इसको ऑयल को इन दीवारों से सिलेंडर के दीवारों को स्क्रैप करने का काम करती है, ताकि ऑयल हमेशा चिपके ना रहे, वो उसको हीट को लेकर के, सिलेंडर के हीट को लेकर के वापस चलाए। तो अब इसमें जो है इसको हम लोग अलग करते हैं, तो इसके सिलेंडर की दीवारों को अच्छे से साफ करते हैं, फिर उसके बाद कार्बन को हम लोग इसको पिस्टन के ऊपर जो पिस्टन के ऊपर जो चैम्बर बना होता है कंबस्चन चैम्बर, इसको जले हुए गैसेज जो कार्बन जमे होते हैं इसको भी हम लोग अलग करते हैं। अलग कर लेने के बाद पिस्टन के रिंग को चेक करते हैं, पिस्टन रिंग के गैप्स को चेक करते हैं, ताकि वो बढ़े ना हो, पिस्टन के रिंग्स घिसे ना हो, और उसके बाद फिर हम लोग चेक करते हैं कि दीवार को कोई स्क्रैचिंग नहीं हो। अगर दीवार सिलेंडर की दीवार पे इनर साइड में अगर कोई स्क्रैचिंग होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम लोग फिर से उसको होनिंग और बोरिंग के प्रोसेस से उसको हम लोग सही ठीक करते हैं। उसके बाद पिस्टन के ऊपर कंबस्चन चेंबर जो बना होता है उस पर जो कार्बन बहुत से जम जाते हैं। अब आपने देखा होगा कि पिस्टन, जो ध्यान से देखा होगा तो पिस्टन ऐसे बना होता है और इसी के ऊपर ये कंबस्चन चेंबर होता है यहाँ पर, तो एक छोटे से स्लॉट के रूप में होता है। कहीं कहीं आपको ये डोम टाइप दिखेगा, यहाँ पे ये आपका डोम टाइप होगा, कहीं कहीं आपका नीचे की स्लॉट होगा तो डाउन टाइप होगा, और ये कुछ उभरे हुए होते हैं, कुछ ऐसे लेकर के शेप में बने होते हैं, कुछ का शेप दोनों तरफ से स्लॉट होता है,
और इसी के ऊपर कम्बस्चन होता है। जब फ्यूल का चार्ज का अंदर चार्ज को अंदर लाया जाता है इनलेट वाल्व के माध्यम से, तो यहाँ पे कम्बस्चन होने के बाद उसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन जमा होते हैं और वो जल जाते हैं। जलने के बाद ये पिस्टन कम्बस्चन चेंबर के ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं, तो इसी को हम लोग साफ करके अलग करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि इसको साफ करने के बाद अब इसको फिर से असेंबल करते हैं। तो असेंबल करते समय हमें ये ध्यान रखना होता है, प्रिकॉशन रखना बन रहा है कि हम ये जो कार्बन होता है, कार्बन जब हम इंजन को खोलते हैं तो उस पर ऊपर एक सील लगी होती है, ठीक, उस सील का दोबारा प्रयोग नहीं करते हैं और इसके ऊपर कार्बन को अच्छे से रिमूव करते हैं। साथ में वाल्व को देख चेक करेंगे कि अगर वाल्व में घिसावट है या वाल्व की सीट पे कोई घिसावट है या वाल्व की स्टीम में कोई घिसावट है, तो अगर प्रिपेयर करने लगे तो उसको हम लोग रिपेयर करेंगे, अदरवाइज उसको हम लोग चेंज करेंगे। और उसके बाद सीट के जो वाल्व होते हैं, वाल्व के सीट को हम लोग लीकेज चेक करते हैं। लीकेज चेक करने के लिए हम लोग हमेशा पेट्रोल का यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब पेट्रोल का प्रयोग करेंगे और उसके बाद अगर ये हमारा पेट्रोल इंजन है तो इसके अंदर एक स्पार्क प्लग भी लगा होता है जिसे हम लोगों को उसको भी बदलना पड़ता है, तो स्पार्क प्लग को भी बदल देंगे। इस प्रकार से इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस इंजन के प्रोसीजर को कंप्लीट करते हैं जिससे कि हमारा डी कार्बोनाइजेशन प्रोसेस पूरा होता है। और हमें साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हमने एक प्रोसीजर किया, अगर हमारा इंजन मल्टी सिलेंडर का होगा, मल्टी सिलेंडर अगर इंजन होता है तो उसमें भी जैसे एक सिलेंडर के लिए प्रोसेस करते हैं वही सेम दूसरे तीसरे चौथे और पाँचवें के लिए करते हैं। जैसे यहाँ है एक दो चार सिलेंडर का इंजन है तो जो प्रोसेस इस नंबर वन के लिए करेंगे वही प्रोसेस नंबर टू के लिए करेंगे और वही प्रोसेस नंबर थ्री के लिए करेंगे, वही प्रोसेस नंबर फोर के लिए करेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये तरीका बिल्कुल सावधानीपूर्वक होना चाहिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम फिर से आती तो आपको इंजन को दोबारा खोलना पड़ेगा और उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके उसको फिर से दूर करना पड़ेगा। सबसे मुख्य बात यह है कि इसमें हम लोग प्रिकॉशन जो वाल्व सीट को बैठाते समय रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अक्सर ये लीकेज होने की संभावना हो जाती है। जब ये लीकेज की संभावना बढ़ जाएगी यहाँ पर तो इंजन सही से नहीं चलेगा। इसमें क्या होगा कि आपकी फ्यूल की एफिशिएंसी भी घटेगी और आपका फ्यूल खपत ज़्यादा हो जाएगा, चार्ज भी कम्प्लीटली अंदर नहीं आएगा, चाहे वो इनलेट हो या आउटलेट हो। अगर इनलेट वाल्व में लीकेज है तो वो चार्ज पूरी तरह से अंदर नहीं आएगा, चूँकि इनलेट और आउटलेट वाल्व के खुलने का समय बहुत कम गैपिंग होती है और इसके एंगल में भी बहुत कम डिफरेंस होता है। तो अगर दोनों एक साथ ही कहीं खुले रह जाएंगे, अधिक डिग्री से खुलने वाली डिग्री से बंद वाली डिग्री से ओवरलैपिंग ज़्यादा करेगी जिससे कि हमारे फ्रेश चार्ज भी बाहर जाने शुरू हो जाएंगे। इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए हम लोग इसका वाल्व के लीकेज को, वाल्व सीट को, वाल्व के गाइड को, इसको अच्छे से पेट्रोल के माध्यम से हम लोग चेक करते हैं ताकि इसके अंदर कोई लीकेज ना हो। अगर कोई गड़बड़ी होती है तो हम लोग तुरंत वाल्व को रिप्लेस करते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि जो गैस्केट हम लोग यूज करेंगे उसको भी हमेशा चेंज करेंगे दोबारा। एक बार जब इंजन को हम लोग ओपन करते हैं तो उस पर जो गैस्केट लगी होती है उसको दोबारा यूज नहीं करते, उसको रिमूव करके हटा देते हैं अच्छी तरह से। वो एरिया गैस्केट का एरिया बिल्कुल क्लीन कर लेते हैं, उसको अच्छे से रिमूव करते हैं। उसके बाद क्रैंक पिन को लगाते समय ध्यान रखेंगे, पिन के जो पिस्टन के अंदर रिंग्स लगे होते हैं पहले दूसरे और तीसरे, जो हमारे कंप्रेशन रिंग और ऑयल रिंग कहलाते हैं, इसके गैप को और इसके दीवार जो रिंग्स होते हैं उसको भी अच्छे से हम लोग चेक करेंगे। जैसे ये रिंग है तो रिंग का ये कॉर्नर बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। अगर रिंग के अंदर घिसावट आ गई है इस प्रकार की तो भी हम इसको चेंज करेंगे, क्योंकि ये कॉर्नर टाइप का बनते जाएगा और यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्योंकि अभी मान लीजिए चला है आपका इंजन 10,000 किलोमीटर चलने के बाद फिर से इसको चेंज करना पड़ सकता है, तो इसीलिए बार बार इंजन को खोलना पड़ेगा जिससे कि कास्ट भी ज़्यादा आएगा और प्रॉब्लम भी ज़्यादा होगा। इसीलिए हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे कि इस प्रकार की कोई समस्या जनरेट होती है तो उसको भी हम लोग समाप्त करेंगे। बाकी अगली टॉपिक के लिए हम आपको अगला वीडियो में आपको मिलेंगे और अगली टॉपिक आपको बताएंगे। थैंक यू।